नेशनल टुडे लैब में आपका स्वागत है। आप क्या कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, आप जनता को दिखाना चाहते हैं क्या, बताइए जी। नहीं, ये देखिए सरायढेला थाना का ASI आदरणीय ममता कुमारी जी के साथ जो 15 तारीख को घटना हुई, वो सत्तारूढ़ दल के जो नेता के जो बच्चे थे और बिना हेलमेट के असंवैधानिक तरीके से गाड़ी चला रहे थे, उसमें जब उन्होंने पकड़ा और वो जो अपना नेता को जो रुबाब दिखाकर जो उसने उनके साथ अभद्रता की, और उस पर आदरणीय ममता ASI जी ने जो FIR दर्ज की, FIR संख्या 263/18 है, जो कि विभिन्न धाराओं के तहत जिसमें कि 353 और 354 गैर जमानती है, और ऐसे में उन आरोपियों को उसको हाजत से निकाल करके और एक PR बॉन्ड भरवा कर छोड़ देना, ये काफ़ी ही संविधान के साथ खिलवाड़ है, निंदनीय है, और इसकी जितनी भी भर्तना की जाए वो कम है। और मैं उस सरिता जी को सलाम करता हूँ कि वो जो अपना स्टैंड कायम रखा है कि यदि इसको पैरवी पर अगर छोड़ा गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, उसने इस्तीफा दी है, और मैं झारखंड मुक्ति जागृति मंच पूरे परिवार इसके साथ खड़ा हूं, और आगे आने वाले समय में इस असंवैधानिक कार्य के लिए जो नेता का गठजोड़ मिलकर के और कानून को जो खिलवाड़ बनाया हुआ है, इसके विरुद्ध हम लोग उग्र आंदोलन और धरना प्रदर्शन करेंगे। और एक सप्ते का अल्टीमेटम आज हमने मुख्यमंत्री से लेकर राज्यपाल और गृह मंत्री को हमने दिया, उपायुक्त को, एक सप्ताह के अंदर अगर आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो 7वां दिन से हमारा आंदोलन चालू हो जाएगा, और हम लोग इसमें बहुत ही, जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम लोग ममता जी के साथ हैं। थैंक यू। हाँ, आपका नाम क्या हुआ सर? रंजीत सिंह परमार, अध्यक्ष झारखंड अस्पताल जागृति मंच। थैंक यू, हमारे चैनल बने।